दिसंबर माह में इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार जनवरी में बजट सत्र के साथ ही शीतकालीन सत्र भी बुलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के चलते लिया है। यहां यह भी बता दें कि विपक्षी दल जल्द शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दी है। जोशी के मुताबिक सभी विपक्षी दलों ने आम सहमति से यह फैसला लिया है कि इस बार कोरोना के चलते शीतकालीन सत्र न बुलाया जाए। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उससे जनवरी में बजट सत्र को लेकर सलाह नहीं ली गई। अधीर रंजन ने जोशी को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार को जल्द से जल्द शीतकालीन सत्र बुलाना चाहिए ताकि कृषि कानूनों पर विचार किया जा सके। किसान अपनी मांगों को लेकर 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया तो यहां यह भी जा रहा है कि चौधरी ने कानून में बदलाव की मांग भी की है। जोशी ने चौधरी के पत्र का जवाब दिया, इसमें लिखा कि सरकार ने कई विपक्षी दलों से बातचीत के बाद शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया है। सितंबर में मानसून सत्र में भी कोविड-19 के चलते देरी हुई थी। मानसून सत्र की 10 लगातार बैठकों में कुल 27 बिल पास किए गए थे। इनमें कृषि कानून से जुड़ा विधेयक भी था। इसे ही लेकर अब किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.